जैसे आपका जो माइंड है या ब्रेन है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कब बोलना है, कब ऐसे करना है, कब वैसे करना है, कब जाना है, कब आना है, कब नहाना है, सब ये सब चीज़ें कौन करवाता है, आपका माइंड, क्योंकि कंट्रोल में रहता है। कोई भी काम को कैसे करते हैं, माइंड के हिसाब से तभी तो कर पाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, फ़ोन के अंदर जो सीपीयू होता है वो पूरे फ़ोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे फ़ोन को। तो अब समझिएगा कि किस तरीके से कम्युनिकेट कम्युनिकेशन उसके अंदर होता है, एक आईसी दूसरे आईसी से कैसे। तो पहला जो लेवल है जिसको हम लोग बोलते हैं आई टू सी प्रोटोकॉल। जैसे आपने फ़ोन के अंदर चार्जर लगाया तो कौन सी आईसी काम करेगी, चार्जिंग आईसी काम करेगी। कौन काम करवाएगा, सीपीयू, किसके माध्यम से, कंट्रोलिंग के माध्यम से। एक लाइन है क्लॉक CLK और एक डेटा, क्लॉक और डेटा के माध्यम से क्या करेगा, इस आईसी को कंट्रोल करेगा। और नहीं तो क्या, चार्जर आज लगाओगे वो कह रही है आईसी हमारा मन नहीं आज काम करने का, हम कल चार्ज करेंगे। RDO आईसी, आपने इंस्ट्रक्शंस दिया भी, हमको गाना सुनना, प्ले किया, RDO आईसी कहती है आज हमारा मन नहीं है, तो इसको भी कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू, क्लॉक और डेटा। क्लॉक का मतलब टाइम, यानी कि सही समय पर जो टाइम है दिया गया। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन, ये काम कर रहा है या नहीं का काम कर रहा है। मान लीजिए इस RDO आईसी में या चार्जिंग आईसी में कुछ खराबी है, क्या है, आपने चार्जर लगाया, आईसी में कुछ प्रॉब्लम है जो काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो सीपीयू क्या करेगा, तुरंत ही चार्जर जैसे लगाओगे आप, कुछ जो भी प्रॉब्लम होगी तुरंत डेटा के माध्यम से बोलेगा कि इसके अंदर क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। ये कहाँ जाएगा, सीपीयू, ईएमएमसी के पास। वो जो एरर है, जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसका लोगो कहाँ पर दिखाएगा, डिस्प्ले पे, कि भाई चार्जिंग एरर क्या है, हो रही है चार्जिंग एरर, ये एरर, ये जो भी है, या टेम्परेचर हाई लो, जो भी समस्या है वो कहाँ पर दिखाएगा, सीपीयू, डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर भी क्या है, कंट्रोलिंग इससे के अंदर है, क्लॉक और डेटा। ऐसा तो होता नहीं, अगर चार्जिंग में समस्या है तो आज चार्जर लगाया 4 दिन बाद डिस्प्ले पे स्क्रीन पे एरर देखने को मिल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्लॉक का भी है, सही समय पर काम होना चाहिए, सही समय पर सीपीयू इंफॉर्मेशन ले सके, किससे, आईसीयू से। तो जितनी भी आईसी फोन के अंदर लगी हैं जिनके अंदर डेटा क्लॉक की लाइनें हैं वो उस पर क्या करता है, सीपीयू उसको कंट्रोल करता है। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो स्क्रीन पे दिखाने का भी काम किसका होता है, सीपीयू का। यानी कि पूरा जो भी है, जैसे आपको दर्द होता है तो कौन बताता है, पड़ोसी बताता है क्या, तुम ही बोलते हो। तो ये जितनी भी आईसी हैं, अब जितनी भी आईसी यहाँ पे क्लॉक डेटा है, ये सब कैसी आईसी हैं, डिजिटल आईसी हैं। तो ये कंट्रोलिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं आई टू सी प्रोटोकॉल। जहाँ पर सीपीयू लगा वहाँ पर आई टू सी प्रोटोकॉल या SPI प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा, कोई भी डिवाइस। SPI प्रोटोकॉल में यहाँ पर आईसी की जो कंट्रोलिंग है वो थोड़ी और जबरदस्त हो जाती है। आईसी का यहाँ पे नाम दिया गया स्लेव, क्या दिया गया है, स्लेव, ये है मास्टर, और ये क्या है, आईसीओ को यहाँ पर बोला गया स्लेव। तो मास्टर आउट स्लेव इन, यानी इसने किसको कमांड दिया, चार्जिंग, भाई ये काम होना है, ठीक है। फिर क्या आ गया, क्लॉक, टाइम तो होगा ना, ठीक है। तो ये 3 दिन लाने हैं वो की कंट्रोलिंग के लिए। अब सीपीयू सिलेक्ट करेगा, क्या करेगा, कि भाई अगर चार्जिंग का कोई काम है तो चार्जिंग आईसी को सिलेक्ट करेगा, पावर का कोई काम होगा तो पावर को सिलेक्ट करेगा, और WTR से कोई काम है तो क्या है, WTR को सिलेक्ट करेगा। तो एक लाइन और यहाँ पर जुड़ जाएगी, CS चिप सिलेक्ट, या SS स्लेव सिलेक्ट। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या हो रही है, 4 लाइनों से हो रही है, जबकि I2C में क्या था, 2 लाइनों से कंट्रोलिंग हो रही थी, किससे, क्लॉक और डेटा से, और यहाँ पे मीजो मोजी क्लॉक और चिप सिलेक्ट। तो आज तक कंट्रोलिंग के लिए अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में यही 2 टेक्नोलॉजी हमारे पास हैं जिससे कंट्रोलिंग कराई जाती है। चाहे आपका आईफोन हो, कोई भी फोन हो, अगर आईसी एक कंट्रोल करना है या काम कराना है, सीपीयू काम कराएगा, तो ये या तो I2C होगा या फिर SPI प्रोटोकॉल होगा। तो ये थी कंट्रोलिंग, 2 प्रोटोकॉल के जरिए से फोन कंट्रोलिंग करता है।